गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं जर्मनी और यूरोप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको यूरोप में जो है वो स्टडी करनी है या जॉब चाहिए आपको यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो चैनल पे हैं, जो आप देख सकते हो। और अगर आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है जर्मनी में एज ए स्टूडेंट या स्टडी के लिए, आज ये वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको इजी कर देगा अगर आपको जर्मनी में बैचलर या मास्टर्स करने के लिए आना है। तो हम सबसे पहले आते हैं अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटी। अगर आपने बेसिकली माइंड बना लिया है कम से कम पैसों में अब्रॉड में स्टडी करना है और एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आई थिंक जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट है। तो आपको कहाँ पर चूज करनी चाहिए, तो आप जा सकते हो माय जर्मन यूनिवर्सिटी में। वहाँ आप देख सकते हो 452 जो है वो बैचलर प्रोग्राम है और अराउंड 2233 जो है वो मास्टर प्रोग्राम्स है, जो कि आप कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज़, लाइक जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप अपना कोर्स जो है वो चूज़ कर सकते हो, आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हो, आपको कहाँ पर स्टडी करनी है वो चूज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको माय जर्मन यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। बेसिकली ये तो हो गई कि आपको कौन सा कोर्स करना है जर्मनी में, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे फिनटीबा कंपेनियन टूल, जो कि एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे तो ऐसा लगा कि ये एक किसी के लिए फ्रेंड हो सकता है, गार्जियन हो सकता है, एक कंपेनियन हो सकता है जो आपको हर एक स्टेप पे जो है हेल्प करेगा। फोन में फिनटीबा की ऐप में जो है वो सारी चेकलिस्ट अवेलेबल होगी। जैसे कि मैंने अभी अभी फिनटीबा को रजिस्टर किया है फ्री में, यस एकदम फ्री में, और मैंने डायरेक्टली देखा है कंपेनियन टूल। जब आप रजिस्टर करोगे तो वो पूछेंगे आप किस कंट्री से हो, तो आप इंडिया से हो। जब आप इंडिया से चूज करोगे तो ऑफकोर्स यू विल बी अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी जर्मनी जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। दैट मींस कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि आपको कंपेनियन टूल जो है वो फ्री में यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वीज़ा एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर आपको जर्मनी के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर अराइवल हो मतलब आप जर्मनी आओगे और फिर आप जर्मनी में रहोगे। अगर आप सारे स्टेप्स देखो, हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हो जर्मनी में। अगर आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया फिर आप यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको गाइडेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको हमारे वीडियोस हेल्प करेंगे, बट ये जो कंपेनियन टूल है ये भी एज ए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ लेट्स डीप डाउन टू दिस कंपेनियन टूल। अगर आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पे जाओगे तो आप देखोगे कि आप एकेडमिक डिग्री चूज करोगे, फिर आप लैंग्वेज चूज करोगे, आपको इंग्लिश में करना है या जर्मन में करना है, फिर आप अपना APS प्रोसेस कंप्लीट करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे जर्मन ग्रेड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ना फिर आप कंप्लीट करोगे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, सारी ही चीज़ें जो हैं वो आपको सामने दिख रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता था और अब जब मैं देख रही हूँ अपडेट हुआ है APS डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें, तो मुझे दिख रहा है कि सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट है और आपको सब कुछ जो है वो एक जगह जो है वो मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे टूल। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो अब वीज़ा एप्लीकेशन, एक बार आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें भी आपको गाइडलाइंस दिख रही होगी। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करोगे कि स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे ना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिख ही रही है, मैं भी आप देख रही हूँ फिर आपको गेट योर एजुकेशन लोन, अब आप यहाँ पर मोर इन्फो में जाओगे एजुकेशन लोन में और ब्राउज करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन होती है और आपको कहाँ से एजुकेशन लोन लेना चाहिए। आप कुछ डिटेल्स भर के यू विल गेट अ क्विक एजुकेशन लोन ऑल्सो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये भी यहाँ पर जो है वो आपको दिख रहा है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आपको कहीं से भी एजुकेशन लोन लोकल एजुकेशन लोन लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। जब आप जर्मनी में आते हो तो
दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वीजा एप्लीकेशन के लिए, एक तो होता है ब्लॉक्ड अकाउंट और एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ब्लॉक्ड अकाउंट जो होता है वो आपको पहले ही पहले करवाना इम्पॉर्टेंट होता है वीजा एप्लीकेशन के लिए, ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप फिनटीबा से ब्लॉक्ड अकाउंट करवा सकते हो क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर है। सबसे अच्छी बात ये है कि अभी जो है वो ऑफर चल रहा है और 95 यूरो का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको फ्री मिलेगा। बाकी और भी बहुत सारे ऑफर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपका जो ब्लॉकिंग कंफर्मेशन है वो इंस्टेंट है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 95 यूरो का। और अगर आप फिनटीबा प्लस चूज करते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे फ्री वेलकम गाइड होगा, एक्सक्लूसिव लैंग्वेज लर्निंग ऑप्शंस होंगे, स्टडी गाइड एक्सेस होगा, फिनटीबा कम्युनिटी एक्सेस होगा और एनुअल स्कॉलरशिप ऑप्शंस जो होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो भी आपके पास होगी। वैसे तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट करवाना वीजा एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट आप बहुत सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो अप्रोक्सीमेटली 10 लैक्स पर ईयर का ब्लॉक्ड अकाउंट है वो जो है वो आपके एक्सपेंसेस जो है वो स्कॉलरशिप से निकल जाएंगे। ये एक टिप है अगर आप जर्मनी में एकदम 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 फ्री में जो है वो एजुकेशन करना चाहते हो। प्लस आप पार्ट टाइम जॉब करके भी कुछ ना कुछ पैसे जो है वो कमा सकते हो जर्मनी में। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट वीजा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस बता दिया, लेटर ऑफ मोटिवेशन, बाकी ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑफकोर्स आपको कंपेनियन टूल में भी मिल जाएंगे, प्लस मैंने भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है, प्लस फिनटीबा कंपेनियन टूल की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स पे मिल जाएगी, ताकि आप रजिस्टर करो और आप अपनी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप कस्टमाइज करवा सकते हो फिनटीबा से, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको कस्टमाइज हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जर्मनी का। अब हमने बात कर ली सेकेंड ऑप्शन की, वीजा एप्लीकेशन। वीजा एप्लीकेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी, प्लस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। थर्ड है प्रिपरेशन फॉर जर्मनी। प्रिपरेशन फॉर जर्मनी के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी चाहिए, जैसे पहली बात हो गई फिनटीबा स्कॉलरशिप। आप फिनटीबा स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो अप्लाई कर सकते हो, जिसकी एक मैंने बहुत ही ऑसम रील बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगी, वो आप देख सकते हो। और आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी जो है वो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैं टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे शॉर्ट वीडियोस बनाती रहती हूँ। फिर आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री वेबिनार के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से पहले चाहिए होगी, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो आप जो है वो पहले ही फ्री वेबिनार के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। देन आप अपनी बुक कर सकते हो फ्लाइट, बुक फ्लाइट करने के लिए कौन से चीप ऑप्शंस हैं, क्या तरीके हैं, उसका भी मैंने एक रील बनाया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दूंगी। और फिर आपको क्या क्या चीज़ें लाइक थिंग्स टू कैरी टू जर्मनी, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास एक लगेज जो होता है वो लिमिटेड होता है और आपके पास लिमिटेड अलाउंस होता है और आपको बहुत सारा सामान लाना होता है, तो थिंग्स टू कैरी उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जर्मन सिम कार्ड आपको चाहिए, गेट योर जर्मन सिम कार्ड, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिनटीबा एग्जैक्टली आपको हेल्प करेगा और आपको यहाँ पर लिस्ट में सारा दिख ही रहा है। जस्ट ब्राउज कंपेनियन टूल, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं भी आप लोगों के साथ ही ब्राउज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो यहाँ पर आते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता यार कहाँ पर सिम ढूंढें, कहाँ पर अपना जो जर्मन बैंक है वो देखें, बहुत सारी इश्यूज आते हैं, वो आपको ऑलरेडी इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे टूल से। बस फिर क्या है, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ आने के बाद भी आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे एनरोल करवाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, टिल वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, तो ये बहुत सारी प्रोसेस होगी जो आपको यहाँ आने के बाद करनी पड़ेगी कंप्लीट, जो कि लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगी, लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग होगी, बट अगर आपके पास एक डिजिटल चेकलिस्ट होगी लाइक ये टूल है तो आपको पता होगा यार हाँ यार अब मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। फिर क्या है, सबसे
सब हो गया, तो आप जर्मनी में रह रहे हो, अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट बन गए हो, आप एक अच्छे से रह रहे हो यहाँ पर, आपको पता है यार कहाँ पर क्या प्रोसेस थी वो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर ली, फिर आप अपना पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर आपको और भी कुछ करनी है लाइक अपनी स्टडी के साथ और भी कुछ करना है वो कर सकते हो, प्लस यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, अपने अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो, इंटरनेशनल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट होगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा, मज़ा आएगा। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अगर जर्मनी में फ्री एजुकेशन करनी है, जो कि भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो भी देखो। प्लस हाँ, आज जो है वो पिंटीवा कंपेनियन टूल जो है वो हीरो है, बिकॉज वो जो है वो सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है टू बी सक्सेसफुल इन जर्मनी। चाहे आपने ऑलरेडी मन बना लिया है यहाँ पर आने का, या फिर आप सोच रहे हो यार स्टडी करना है, ये टूल जो है वो एग्जैक्टली आपको हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक सोचा है कि हाँ यार ठीक है करते हैं जर्मनी में एजुकेशन, तो गिव इट अ ट्रायल, रजिस्टर करो, अपनी इन्फॉर्मेशन दो और धीरे 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 जो है वो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी इन जर्मनी। हो सकता है कि आप यहाँ पर बहुत जल्द हो, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो कमेंट ज़रूर छोड़ना बाद में कि सक्सेसफुल। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी या जॉब्स इन यूरोप, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगी, या तो कमेंट को रिप्लाई करूँगी या फिर आपको वीडियो बनाऊँगी ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी एक हेल्प चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए, तो आप ये वीडियो जो है उनसे शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन गर्ल इन यूरोप, वो फॉलो करो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फनी टाइप के वीडियोस मैं वहां पर बनाती हूँ, तो वो जरूर देखो। बाकी सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।